अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनस्टिच्ड ड्रेस बाय आसिम जूफा। ओके, हिट कोड है ये और इसकी प्राइस है 11,250 एक्चुअली। लेट्स सी हाउ इट इज। ओके, ये तो लॉन फैब्रिक है ये। इसके ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फ्रंट बैक का सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो है ये पूरा बूटी वाला फैब्रिक दिया हुआ है फ्रंट बैक का। अलबत्त फैब्रिक काफ़ी है, डबल एक्सल साइज आराम से हो सकता है, लेंथ भी काफ़ी हो सकती है। लेकिन मैं ये पिक्चर्स देख कर ही सोच रही थी कि अगर इन्होंने सारी लेसेस प्रोवाइड की हैं तो बड़ी सरप्राइजिंग बात होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो क्रोशिया लेसेस ऑल साइड लगी हुई है, दामन पे लगी हुई है, सीढ़ी लेसेस, सेंटर लेसेस, ये सारा कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ये फ्रंट बैक का फैब्रिक है, देन ये बॉर्डर है जो कि फ्रंट बैक और बॉर्डर भी काफ़ी सारा है, तो अच्छा बड़ा है इसका जो है साइज, तो अच्छा बड़ा बन जाएगा। उसके बाद ये फ्रंट बैक पर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फ्रंट और स्लीव्स पे हो सकता है, या फिर इनफैक्ट स्लीव्स पे नहीं, ये फ्रंट बैक का बॉर्डर है और स्लीव्स पे जो है उन्होंने क्रोशिया लेस लगाई हुई जो कि आपको सेपरेट लेके और डाई करानी पड़ेगी। फिर एक पतली लेस है जो कि चाक और दामन की है, तो ये आई थिंक चाकों पर दोनों हो जाएगी, फ्रंट बैक दामन भी हो जाएगी, राइट? ठीक है, बस ये कि जो क्रोशिया लेसेस लगाई इन्होंने हर जगह पे, दुपट्टे की साइड पे काफ़ी खूबसूरत सी लेस लगाई हुई, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद है ये इसका गला, एम्ब्रॉयडर्ड गला है, एक ही पैच हुआ है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है विद पन्नी वर्क। उसके बाद उसी के साइड पर जो है इन्होंने ये स्लीव्स के बॉर्डर्स दिए हुए, ये वाले जो कि स्लीव्स के ऊपर एज हो जाएं, पैच हो जाएंगे, एप्लिक हो जाएंगे, और स्लीव्स का कपड़ा इन्होंने दिया है बिल्कुल प्लेन। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है, इसके ऊपर ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का वो जो है एप्लिक होगा, उसके बाद एज फेस जो है ऑर्गेन्जा डाई करवाना है, देन क्रोशिया लेस लगानी है, तो उसके बाद इसका कंप्लीट लुक होगा एज पिक्चर। और फिर है इसका ट्राउज़र, आई डोंट नो ट्राउज़र का कपड़ा इन्होंने मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिया हुआ है, हालांकि 2 मीटर लिखा हुआ है, एक्चुअली मीटर जो है थोड़ा सा यार्ड से ज़्यादा होता है, और अच्छी क्वालिटी है इसकी, नॉट बैड। उसके बाद है इसका शिफॉन का दुपट्टा, दुपट्टे के भी जो है ऊपर बॉर्डर्स बने हैं, और फिर ये तो आई डोंट नो कौन सा बॉर्डर है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने हर चीज़ सेपरेट लिखी हुई है, लेकिन जो है ये साथ में बॉर्डर दिया हुआ है जो कि कट के पल्लू वाली साइड पे लग जाएगा, और लॉन्ग साइड पे ये बॉर्डर बने हुए, सिंगल दूसरी साइड पे सिंगल बॉर्डर है, जबकि डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये सारी चीज़ें सेपरेट लिखी हुई हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि चीज़ सारी जो है वो कम्प्लीट है। तो दैट्स इट, काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है ये, डार्क पर्पल सा ड्रेस है, दुपट्टा थोड़ा सा डीप पर्पल है, और उसके बाद जो है शर्ट भी पर्पल है, बट ऑफकोर्स दुपट्टा जो है थोड़ा सा डार्क है, और ओवरऑल जो है अच्छा खूबसूरत ड्रेस है। लेंथ जो है अलबत्ता मुझे लग रहा है पिक्चर में इन्होंने थोड़ी ज़्यादा दिखाई हुई, लेकिन इन्होंने दामन पे बहुत सारी मेहनत की हुई है, लेकिन मेरे ख्याल है 48 या 45 से तो ऊपर हो जाएगी, और अगर वो सारी चीज़ें ऐड करें जो कि सिलाई का पार्ट है, रिंग्स एंड ऑर्गेन्जा एंड एवरीथिंग, तो फिर और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।